आपको क्या लगता है ये विचार कहाँ से आता है आत्महत्या का, ये जनरेट कहाँ से होता है? ये जनरेट होता है उस संस्कार विहीन शिक्षा से जहाँ हम ये सीखते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, शोहरत, गाड़ियाँ, बंगले, बस इसके अलावा हमें कुछ दुनिया दिखती नहीं है। और हम एक उस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जहाँ पहले से ही ना जाने कितने अंधे लोग दौड़ रहे होते हैं और उस कंपटीशन में अपने आप को हम पिछड़ा हुआ पाते हैं। हम सोच लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कि क्या बेवकूफ़ी है भाई साहब। हम विश्लेषण भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब सुशांत जी के समाचार हम और आपको मिले तो पहले हमें उसके सामान्य समाचार मिले कि साहब उन्होंने दुनिया से थक हार के जो भी रीजन से उन्होंने सुसाइड की हो हमको नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे जो विश्लेषण सामने आ रहे हैं उसमें इस बात को बहुत प्रमुख किया जा रहा है कि हमारी सोसाइटी खराब है, हमारे लोग खराब हैं, हमारे आसपास के लोग खराब हैं। वहाँ पर नेपोटिज्म फैल रहा है, वहाँ भाई भतीजावाद फैल रहा है, वहाँ पार्शलिटी होती है, वहाँ पक्षपात होती है, ऐसी ना जाने कितनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं फिर कहता हूँ, एक बार शांति से विचार करके देखिए, आत्महत्या के ये जायज कारण नहीं है, ये एक लीगल कारण नहीं है आत्महत्या के, कि यदि आपके आसपास पक्षपात हो रहा है तो आप मर जाओ, यदि आपके आसपास नेपोटिज्म बात हो रहा है तो मर जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। वो तो चाहते ही हैं तुम मर जाओ, तुमने साबित कर दिया कि वो सही थे, तुम उनके सामने छाती खड़ी करके खड़े रहो। क्यों मर जाएं हम? हमारे पास 10 ऑप्शन हैं। देखो भाई साहब, आप विचार करो, एक सिंपल सा सिस्टम समझो, भाई भतीजावाद कौन फैला रहा है? सामने वाला। पक्षपात कौन कर रहा है? सामने वाला। पार्शलिटी कौन कर रहा है? सामने वाला। दबंगई कौन दिखा रहा है? सामने वाला। छल कपट कौन कर रहा है? सामने वाला। अच्छा, इन सब की सजा किसको दें हम? अपने आप को। कमाल आदमी निकले यार तुम तो, कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई की है मुझे समझ में नहीं आता है। वो लोग नेपोटिज्म फैला रहे हैं, वो लोग भाई भतीजावाद फैला रहे हैं, वो लोग समझो माफिया बना के रखा है, वो दबंगई कर रहे हैं, तो सजा उनको मिलनी चाहिए ना। गलत वो लोग हैं, हम कैसे गलत हो गए? हमने साबित कर दिया हम गलत थे, तब तो हम मरे ना भाई साहब। अगर इस कारण को जायज ठहराओगे तो मैं कहता हूँ देश का एक युवा जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर युवा अपने आसपास ये महसूस करता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, मैं कहता हूँ चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्मिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो ये महसूस करता है भैया यहाँ तो पक्षपात हो रहा है, तो पक्षपात हो रहा है तो मर जाए। अरे यार कमाल करते हो, शांति से बैठ के विचार करो। एक तो उस दौड़ में अपने आप को शामिल मत करो जिस दौड़ में दुनिया दौड़ रही है, थोड़ा दिमाग से काम लो। हमें लाइफ जीने आए थे, आपाधापी करने नहीं आए थे, हमारी वो होड़ ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ अगर अचानक से बाढ़ आ जाए, समझना आपको अचानक से बाढ़ आ जाए, तो मैं आपको वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाना चाहिए या सुसाइड कर लेना चाहिए? क्योंकि बाढ़ आ गई, अब मैं कैसे जिंदा रहूँगा, चारों तरफ पानी भर जाएगा, उससे अच्छा मैं मर जाता हूँ। तो लोग बेवकूफ़ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई साहब बाढ़ आ रही है तो आप धीरे से बस पकड़ो और निकल लो यहाँ से, बोरिया बिस्तर लेके, कुछ सामान छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पड़ा रहें तो वहाँ दूसरा मकान बना लेंगे हम। वो जगह छोड़ दोगे ना, उसको पलायनवाद नहीं कहते हैं, समझदारी कहते हैं। ऐसी जहाँ नेपोटिज्म हो रहा है, जहाँ पक्षपात हो रहा है, जहाँ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उस जगह को छोड़ दो। इतनी बड़ी दुनिया है भाई साहब, आप कहीं भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। शरीर को क्या चाहिए भाई साहब? चार रोटी सुबह, चार रोटी शाम को, ये भी ज़्यादा बोल दी मैंने। मन को क्या चाहिए? सिर्फ अच्छे विचार। ये बहुत गंदी शिक्षा पद्धति हो गई हमारी कि हमें ये लगता है कि जीने के लिए हमें शानो शौकत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, चिले चपाटे चाहिए। भाई साहब एक अकेला आदमी जीवन बहुत मस्ती से जीवन जी सकता है, सिर्फ उसके पास श्रेष्ठ विचार होना चाहिए, खाने के लिए भोजन और मन को समझो खिलाने के लिए श्रेष्ठ विचार। यदि आपके पास श्रेष्ठ विचार हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, आप कभी आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनोगे, और रास्ता ठीक नहीं है। परिस्थितियां कब ठीक रही हैं? आप क्या समझ रहे हो ये सब चार चैनलों पे भाषणबाजी करके नेपोटिज्मबाजी खत्म हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है पार्शलिटी खत्म हो जाएगी आज के बाद? बिल्कुल सबकी योग्यता के हिसाब से सबको आदर सत्कार मिलेगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी समाज में ये बदमाशियाँ कभी बंद नहीं होंगी। क्यों?
क्योंकि ये संसारी जीवों का लक्षण है। ये जो संसार में भटकने वाले लोग हैं, छल कपट मायाचारी, इनको करना है, क्योंकि अगले जो गति है, नेक्स्ट लाइफ इनकी जो है वो कुत्ता बिल्ली त्रेंच गति की है। तो अगर ये मायाचारी नहीं करेंगे, अगर ये पार्शलिटी नहीं करेंगे, तो अगली गति में कैसे जाएंगे? हमको इनके साथ संसार में नहीं घूमना है। तो मुझे तो ये सीखना है, अगर कोई मेरे साथ पक्षपात करता है तो मैं उसे ये सीखता हूँ, क्योंकि पक्षपात जब होता है तो बहुत तकलीफ होती है अंदर से। तो मैं अपने आप को कृत संकल्पित करता हूँ, मैं जीवन में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करूँगा। जब मेरे साथ कोई दुर्घटना घटे और जिससे मुझे तकलीफ हो, तो आप उस दिन प्रतिज्ञा ले लें, सुशांत जी को चाहिए था, कृत संकल्पित हो जाएं कि वो कुछ ऐसा करें जिसमें भाई भतीजा बाद ना हो, वे कुछ ऐसा करें जिसमें पार्शलिटी ना हो, वे कुछ ऐसी मंच बनाएं, वे कुछ ऐसी ग्रुप तैयार करें जहां निष्पक्ष और अच्छे लोगों का समूह हो। ये क्या किया आपने? गिनती के तो अच्छे लोग हैं और उनमें भी आपने उनको कमज़ोर कर दिया, और उन लोगों के लिए लॉजिक दे रहे हो, यदि आपके पास आपके आसपास भाई भतीजावाद हो रहा हो तो मर जाओ। भाई साहब, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं, आप ऐसे कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं कि आपके आसपास पक्षपात ना हो, आपके आसपास पार्शलिटी ना हो, आपके आसपास नेपोटिज्मवाद ना हो। ये सब होंगे, जातिवाद, पंथवाद, संप्रदाय सब होंगे। इन सब के बीच में आपको जीना है, हिम्मत के साथ जीना है, समता भाव से जीना है, किसी से बहस किए बिना जीना है, अपने जीवन के लिए खुद जीना है। और आगे की बात कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, आज भले ही आपने कुछ ना किया हो, पूर्व में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके फल में हम और आपके साथ ये सब हो रहा है। तो क्यों ना हम इस बदलाव को शुरू करें। आज से मैं पक्षपात बंद करूं, पार्शलिटी बंद करूं, घृणा बंद करूं, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, विकार जो हैं उन विकारों पर रोक लगाऊं और एक निर्मल जीवन जीऊं, तो हो सकता है अगर मेरा आज बेहतर है तो मेरा कल भी बेहतर होगा। इसलिए आत्मघात इस विश्व का सबसे घटिया पाप है, इस विश्व की सबसे बड़ी हिंसा है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने ऊपर दया नहीं कर सकता है, वो सबसे क्रूर प्राणी है, वो किसी और के ऊपर भी क्या खाक दया करेगा। इसलिए अहिंसक जीवन शैली की शुरुआत करने के लिए हम सब ने सबसे पहले ये नियम लेना चाहिए कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, और ज़्यादा अहिंसक बनने के लिए अपनी परिवार की हत्या नहीं करूँगा, और ज़्यादा अहिंसक बनने के लिए अपनी समाज की, अपने देश की, अपने विश्व की, मनुष्यों की, त्रेंचों की, प्राणी मात्र के प्रति मेरी सद्भावनाएं रहेंगी। इस भावना से यदि आप ओतप्रोत हो जाते हैं तो आप निश्चित मानिए आपका भविष्य बहुत बेहतर है। धन्यवाद। जय हिंद।